तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ इस अबेंडन हाउस में। इनसे तो मुझे बचना ही पड़ेगा रात भर। देख सकते हो आप, ये मकड़ी है, भाग गई। यहाँ पर थोड़ा सा लकड़ियाँ हैं, ये रात के टाइम मेरे थोड़ा सा जला लूँगा इनको मैं। कि गांव वालों का मीत है कि यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी है, समझ गए होंगे आप, मैं उसको बोलना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे क्या सीन हुआ था मैं बताता हूँ आपको। जो इतना बड़ा घर है ये खाली क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है। तो भाई इस मांग में कॉफी। नूडल्स कम पास्ता ज़्यादा लग रहा है। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ इस अबेंडन हाउस में। देख सकते हो भाई कितना ख़तरनाक है। और सच बताऊँ दिल की ना धड़कनें तेज़ हो रही है, जितना मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ ना हालत ख़राब हो रही है मेरी। और ऊपर देख सकते हो आप कुछ भी नहीं है, जितना है नीचे है। और ऐसे कमरे हैं यहाँ पे, और एक एक करके मुआयना करता हूँ। पहले ये वाला कमरा देखते हैं इसमें कैसा है, थोड़ा सा डर भी लग रही है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या हुआ था और ये ऐसा किन परिस्थितियों में यहाँ पे मतलब कि पड़ा हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये छोटा वाला कमरा है और ये है दूसरा वाला। भाई यहाँ तो खिड़की भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली है। भाई दो कमरे तो देख लिए अपने और तीसरा ये वाला कमरा है। यहाँ पे मकड़ियाँ भी है, इनसे तो मुझे बचना ही पड़ेगा रात भर। देख सकते हो आप, ये मकड़ी है, भाग गई। यहाँ पे थोड़ा सा लकड़ियाँ हैं, ये रात के टाइम मेरे थोड़ा सा जला लूँगा इनको मैं। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे भाई, है बहुत ख़तरनाक जगह। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह को ख़तरनाक क्यों बोला जाता है। क्योंकि जब मैंने सुना ना भाई, मेरे भी रोंगटे खड़े हुए थे। आप लोगों ने बोला था कि सोलो कैंपिंग ऐसी जगह पे करो जो हॉन्टेड जगह है। भाई ये अबेंडन हाउस है। मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ कि गाँव वालों का मीत है कि यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी है, समझ गए होंगे आप, मैं उसको बोलना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे क्या सीन हुआ था मैं बताता हूँ आपको। जो इतना बड़ा घर है ये खाली क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये घर 10 साल पहले यहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद उनकी फैमिली में दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ये घर किसी और को बेच दिया। और ये जिसने घर ख़रीदा तो उनको भी धीरे धीरे यहाँ पे दिक्कतें होनी शुरू हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यहाँ पे ये घर छोड़ दिया और अभी वो शायद बाहर रहते हैं, तो यहाँ वो मुड़ के भी नहीं आए। तो ये वीरान पड़ा हुआ है, मेरे हाथ भी कांप रहे होंगे थोड़ा सा ये बोलने में, थोड़ा डर भी लग ही रहा है यार। बाकी क्या ही बोलूँ मैं इस जगहों के बारे में, टेंट मैं अपने साथ लाया नहीं हूँ और रात काटनी है मुझे यहाँ पे भाई, वो भी अकेले भाई। तो भाई अब यहाँ पे मैं मैट बिछा लेता हूँ, टेंट तो मैं लाया नहीं हूँ। और दूसरा सेफ़ लग रहा है और जंगली जानवरों से, बाकी मुझे बचना है यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, वो आपको पता ही है। बाकी यहीं पे अपनी मैट लगाता हूँ और यहीं पे बनाते हैं अपना डिनर वगैरह भी। बाकी पूरी रात काटनी है यार यहाँ पे। आप लोग भी सोच रहे होंगे हाथ में चाकू और सर पे इसके ये लाइट क्यों है। तो भाई हेडलैम्प और तो ये नाइफ़ मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे सेफ्टी वेपन है
और इससे मैं इजीली देख सकता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैट बिछाते हैं यहाँ पे। तो अपना आज का टेबल यही है भाई। अभी तक तो ऐसा कुछ माहौल है नहीं जिससे थोड़ा डरूं। मैं यहाँ पे वाटर कैन ला नहीं सकता था क्योंकि ये भी नहीं पता ना भाई कब भागना पड़ जाए। बाकी हेडलैम्प को यहाँ पे ऑफ करते हैं और इसे निकालूंगा नहीं, लेकिन मैं ये वाली लाइट जलाते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पे। बादल गरज रहे हैं मुझे, मैं डर गया भाई। बाहर से बादल गरजने की आवाज़ आई और मैं डर गया एकदम से कि ये क्या हुआ। ठंडा बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। शहरों में बहुत गर्मी है लेकिन पहाड़ों पे अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। लेकिन एक चीज़ है भाई, आज मैं शूज़ नहीं उतारने वाला क्योंकि मुझे नहीं पता कब रात को भागना पड़ जाए। और जगह वैसे ठीक है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं, मुझे सेफ नहीं लग रही है। खिड़कियाँ सारी खुली हुई है तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। टाइम अपने पास इतना ज़्यादा है नहीं तो आटा भी लगा लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आटा क्यों लगा रहा हूँ और क्या बनने वाला है आज। तो भाई आज बनने वाला है, मेरी आवाज़ टकरा रही होगी ना, तो आज बनने वाले हैं नूडल्स। और देखो यार किस तरह से बनते हैं। बाकी वैसे मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे लिए सबसे बेस्ट वही है कि मैं ना सोचूं। लेकिन यहाँ की स्टोरी जब मुझे बताई ना कि यहाँ पे सुसाइड किया था, अब मुझे नहीं पता कि वो किस लिए सुसाइड किया था। इतना मैंने डीपली पूछा नहीं और ना उन लोगों को पता है, उन लोगों को, गांव वालों को, जो मेन मेन बंदे थे उनसे ही पूछा मैंने। डीपली उनको पता होगा जो थोड़ा बुजुर्ग टाइप होंगे, उन लोगों से पूछा नहीं। और जिसने बताया कि यहाँ पे आसपास कहीं पे सुसाइड किया था, तो इस वजह से यहाँ पे कोई नहीं रहता। लेकिन मैं तो बस भाई यही प्रार्थना करूंगा कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो, अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो तो वो आसपास ना आए। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सिर्फ ओवर थिंकिंग से बचो। यहाँ पे मिट्टी के नीचे भी कुछ कीड़े हो सकते हैं, इसीलिए मैं शूज़ नहीं खोलूँगा और रात को ईयरफोन लगा के मैं सोऊंगा। क्योंकि ईयरफोन में चाहे गाने सुनूँ ना सुनूँ,
लेकिन कोई कीड़ा मेरे कान में ना जाए या कुछ ना जाए, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है लोग सोते हैं ऐसी जगह में और कीड़े वगैरह चले जाते हैं। बाकी तो आटा मैंने लगा लिया है, इतना आटा इनफ है नूडल्स बनाने के लिए। तो भाई हाथ मेरे गंदे हैं, इसको मैं साफ भी नहीं कर सकता क्योंकि इतना पानी भी अभी है नहीं। पानी मेरे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये मैं जब नूडल्स बन जाएंगे ना उसके बाद अपने हाथ वॉश करूँगा। तो ऐसे ही कॉफ़ी बना लेता हूँ, पानी भी गर्म हो ही गया है। तो भाई इस मावी कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी रेडी है अपनी, और अपनी कॉफ़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई है। मज़ा आ गया। अपने पास बेलन है नहीं, अपने पास है गैस कैन, फिर से ऑन करते हैं क्योंकि अब हमें इसमें नूडल्स डालने हैं। बाकी आटा यहाँ पे अच्छे से लग गया है और अब इसको हमें साइज़ देना है चाउमीन का। तो देखो यार कैसे देता हूँ मैं, यहाँ पे 2 बार बादल गरज गए हैं और दोनों बार भाई मेरी हालत ख़राब हो गई। एक बार तो क्योंकि मैं सोच नहीं रहा हूँ उस टाइप का जो सोचना चाहिए मुझे, लेकिन जब कोई बाहर से आवाज़ आती है ना और तो थोड़ा डर हो जाता है भाई, क्योंकि डरता तो हर कोई है। और ऐसी जगह पे मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डर फील नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ के बारे में जबकि मुझे सच पता होने के बाद भी मैं यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आया हूँ, वो भी अबेंडन हाउस में। यहाँ कोई आता ही नहीं है, पहले आते होंगे यहाँ पे जिन्होंने नाम वाम भी लिखे हैं ना कभी, कोई ना कोई तो ऐसा तो है नहीं कि आया नहीं होगा। कोई ग्रुप में तो पक्का आया होगा, यहाँ पे लड़के आ जाते हैं वैसे गाँव के तो, लेकिन यहाँ पे रुकता कोई नहीं है क्योंकि साफ पता चल रहा ना दीवारों पे लिखा है। और ये तभी लिखा हो सकता है जब उन्होंने घर छोड़ा हो उसके बाद यहाँ पे कोई आया हो। आटे के नूडल्स बन रहे हैं भाई ये, खैर मुझे पता है इतने अच्छे बनेंगे नहीं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी जगह पे क्या ही बना पाऊँगा भाई। ये भी बन पा रहे हैं मेरे से बहुत बड़ी बात है। नूडल्स भी अपने बॉईल हो रहे हैं यहाँ पे, वेजेस काट लेते तब तक। नूडल्स यहाँ पे अपने बॉईल हो रहे हैं और मैं वेजेस काट रहा हूँ। तो ये है अपनी बंद गोभी, सोलो में ना भाई एक तो कैमरा इधर उधर रखने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि एंगल चेंज करने पड़ते हैं शूट करने के लिए। बाकी
कब क्या हो जाएंगे ये नहीं पता। के साथ में धनिया और अनियन के पत्ते हैं, इन्हें भी बारीक चॉप कर लेते हैं। इधर उधर भी देख रहा हूँ भाई, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। बाकी अपना चाकू यहीं पे है, कोई भी दिक्कत होती है तो वेपन अपने पास होना जरूरी है। अब डालते हैं ऑयल। तो फाइनली अपना यहाँ पे खाना भी रेडी है। अपने नूडल्स, वैसे नूडल्स कम पास्ता ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब टेस्ट करके बताते कैसा हो रहा है। भाई यहाँ पे अभी कुछ ऐसी एक्टिविटी तो हुई नहीं है अभी तक। सही हुआ है मैंने अच्छे से खाना भी बना लिया है। बाकी दो बार आवाज़ आई, वो भी आसमान की आवाज़ आई। बाकी अपना नूडल्स, वैसे उसको पास्ता बोल सकते हो तुम, वैसे कुछ भी बोल सकते हो, क्या ही बनाए। लेकिन सच बताऊँ इसका टेस्ट नूडल से चाउमीन से बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे मुझे लग रहा है कि मुझे टेंट लेके आना चाहिए था, क्योंकि जंगली जानवर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बिच्छू सांप कीड़े कुछ भी आ सकता है भाई। देखो डर तो लगता है यार, क्योंकि जब मुझे बताया था ना गांव वालों ने कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, तो मन में ये आ रहा था यार क्यों जा रहा है भाई वहाँ पे अगर कुछ हो गया तो। फिर सोचा यार कि जब तुम चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और जब तुम्हें अपनी लाइफ में एक रियल चीज़ दिखानी है और लोगों का जो वहम है वो मिथ है वो ख़त्म करना है, तो ऐसी जगह पे आना पड़ता है भाई। पूरी तरह से शांति है और डर भी है, ऐसा नहीं है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ भाई। ऐसी जगह पे कौन नहीं डरेगा यार, मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितना डर रहा हूँ, लेकिन बयान नहीं कर सकता हूँ। सोने का, और वैसे तो क्या ही नींद आएगी मेरे को, नींद नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आने वाली, और ऐसी जगह पे मैं बिल्कुल नहीं सो सकता। लेकिन हाँ चौकन्ना जरूर रहूँगा मैं, बाकी लेट तो हुई यार, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ही। तो मैं निकाल रहा हूँ अपना स्लीपिंग बैग।
शूज तो नहीं उतारने वाला मैं, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसी जगह पे हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो पिलो अपना यहाँ पे सेट है और लेट जाता हूँ भाई, और क्या ही कर सकता हूँ। बाकी सेफ्टी वेपन के लिए अपना चाकू यहीं पे है, और ये लाइट अपने आप खुली रहती है। बाकी आप करता हूँ ना आराम। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी सुबह हो गई है यहाँ पे। और कल रात यार सच बताऊँ बार बार नींद खुल रही थी, मतलब आवाज़ आ रही थी पत्थर गिरने की और कुछ चटकने की, लकड़ी टूटने की, इस टाइप की आवाज़ें। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर लग रही थी, तो बार बार नींद खुल रही थी। और ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाकी वो थोड़ा होता है ना वहम टाइप का हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बाहर से आवाज़ आती है एकदम। अब फटाफट से पैकिंग करता हूँ और चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे पूरी रात बिताऊँगा और मैं ओवरनाइट यहाँ पे इस अबेंडन हाउस में मैं स्टे कर चुका हूँ, और अब हिम्मत नहीं है यार कुछ बनाने की, कॉफ़ी वगैरह। तो चलता हूँ घर की तरफ यार, और अच्छा लगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे जैसा लोगों ने सोचा था। बाकी मेरी वीडियो देख के वो भी सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे स्टे किया है। तो जिसका भी ये घर है मैं उससे ये कहूँगा यार ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इजीली यहाँ पे रह सकते हो। और बाकी भाई जो भी गांव वालों के मिथ है ना, उन लोगों से ये बोलूँगा कि इतना मत सोचा करो कि यार भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और ज़्यादा कहानियाँ मत बनाओ यहाँ के बारे में। तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सब कुछ ठीक था, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो पहले क्या करता हूँ ना, फटाफट से सामान वगैरह पैक करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। गाइज़ मैं ज़्यादातर ना यही चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को कि ऐसा जो होता है ना भूत वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ ये होता है कि कुछ चीज़ें ना नेगेटिविटी होती है, और नेगेटिव एनर्जी भी होती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो आप उसको भूत नहीं कह सकते, आप उसको मैं क्या ही बोलूँ। खैर समझने वाले समझ गए हैं। बाकी फटाफट चलता हूँ मैं घर की तरफ, और मैंने मैंने कॉफ़ी वगैरह इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यार सच बताऊँ तो कल रात अच्छे से नींद नहीं आई है, क्योंकि कभी आंखें खुली एकदम से तो नींद टूटी बार बार, तो उस वजह से मैं सो नहीं पाया प्रॉपर तरीके से। तो कोई नहीं, अब चलते हैं घर की तरफ। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है यार, और इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं इस तरह की वीडियो लाते रहूँगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।